यस गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज हम आरंभ करेंगे बाल राम कथा का, का पार्ट सेवन सोने का हिरन बच्चों पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राम का जन्म हुआ राम जो थे चार भाई थे ठीक है उनके पिता थे दशरथ और जब उनकी माता के कई ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे थे तो उन्होंने दो वरदान में श्री राम का वनवास और भरत के लिए राज तिलक मांगा था कि उसको राज्य दिया जाए उसका राज तिलक किया जाए तो बच्चों उसके बाद सीता के साथ उनका विवाह हुआ विवाह होने के बाद जब वो वापस अयोध्या में पहुंचे, तो सीता का सभी रानियों ने और जो चारों भाइयों का विवाह हुआ था राजा जनक की दो पुत्रियां थी और दो उनके भाई थे कुछ उनके बेटियां थी तो चारों पुत्रों का दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक और उसके भाई की बेटियों के साथ हो गया तो वो अयोध्या आए थे चारों अयोध्या में जब खुशी का माहौल था तो सब ने राजा दशरथ से बोला कि अब जो है राज तिलक के लिए श्री राम को उन्होंने चुना और उन्होंने कहा कि श्री राम को जो है इस अयोध्या का राजा घोषित कर दिया और कहा कि इनका तिलक होगा जब मंथरा ने ये बात सुनी तो मंथरा ने ये बात के कई को जाकर कही और उसको भड़का दिया उसने उसको बोला कि राजा दशरथ जो है तुम्हारे बेटे को पहले तो नाना के घर चला गया उससे वो राम को राज तिलक दे रहे हैं और भारत को कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो वो जो है कि कई को भड़काती है तो कई जो उसकी बातों में आ जाती है और वो अपना जाल बिछा लेती है कि कई का जाल मतलब वो अपने बाल बिखेर ले लेगी, पुराने कपड़े पहन लेती है और इस तरह कुछ अस्त व्यस्त कर देती है सारा तो जब राजा दशरथ जो है महल में आते हैं वो रानी को इस तरह देखते हैं तो पूछते हैं तो रानी जो है दो अपने वरदान के बारे में उनसे जिक्र करती है तब राजा दशरथ उसको कहते हैं कि तुम राज को जो राज जो राज तिलक है वो भरत देते हैं, लेकिन राम को मत दो, लेकिन कि कई अपने बात पर अडिग रहती है अटल रहती है वो उनकी बात नहीं सुनती तो जब राम को वनवास हो जाता है तो राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी जाते हैं तो उनके जाने के छह दिन बाद ही जो है राजा दशरथ का देहांत हो जाता है उसके बाद जब के के राज्य में भरत के पास संदेश पहुंचते हैं कि उसके पिता ने उसको अयोध्या में उसको बुलाया गया है जब वो अयोध्या वापिस आता है कि सूनी पड़ी है है ना मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ पिछले चैप्टर ताकि आपको ध्यान रहे आपने बाल राम कथा में क्या पढ़ा है तो जब जो है ये भरत अयोध्या वापिस आते हैं तो अयोध्या को सुनी देख वो परेशान हो जाते हैं और वो आके सीधा जो जाते हैं राजमहल में जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनको जब राज दशरथ नहीं मिलते तो वो अपने महारानी के कई के महल में जाते हैं तो महारानी के कई जो है उनको पूरा वृतांत सुनाती है कि इस प्रकार उसने जो है अपने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे थे एक वरदान में राज रा, भरत का राज्यभिषेक और दूसरा वरदान राम का वनवास तब यह बात सुनकर भरत बहुत क्रोधित होता है उसको बहुत गुस्सा आता है तो वो जो है कुशल्या माँ के पास जाता है और उनसे भी माफी मांगता है उसके बाद सब जो है मिलकर श्री राम को वापस लेने के लिए जंगल में जाते हैं तब जो श्री राम जी हैं वो चित्रकूट पर उन्होंने अपना डेरा लगाया हुआ था तो उन्होंने जब चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भरत ने श्री राम से बहुत रिक्वेस्ट की बहुत प्रार्थना की कि तुम वापस चलकर अयोध्या का राज का संभालो लेकिन श्री राम ने बोला कि ये मेरे पिता की आज्ञा है मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा तो वो नहीं जाते तो कुछ समय पश्चात वो जो है वहाँ से प्लान कर लेते हैं वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि चित्रकूट से जो अयोध्या का रास्ता था वो सिर्फ चार दिन का था वहाँ पर पहुँचने में उन्हें चार दिन में पहुंच जाते थे तो उन्होंने क्या किया वहाँ से अपना प्लान कर ले वो वहाँ से चले गए और दंडक वन में उन्होंने दस वर्ष बिताए तो आगे जाकर उन्होंने एक कुटी बनाई थी जिसको पंचवटी के नाम से पर्ण कुटी होती है पंचवटी के नाम से बोला जाता है तो वहाँ पर वो रहे थे तो जैसे वो सुख से जीवन बिता रहे थे तो अब हम पढ़ते हैं उससे आगे सोने का हिरन देखते हैं इस पाठ में आगे क्या समझाया ये उस समय की बात है जब ये पंचवटी में रह रहे थे तो उस समय रावण जो है उनके पास रावण की बहन जो है सुरूपन का आती है और वो राम को अपने साथ विवाह के लिए मजबूर करती है लेकिन श्री राम जो है विवाह करने से इनकार करते हैं और वह लक्ष्मण की तरफ उसको भेज देते हैं लेकिन लक्ष्मण भी उससे विवाह नहीं करता वो कहता है कि मैं तो राम का तुम भी उनकी दासी जीवन व्यतीत करोगी इससे अच्छा है कि तुम राम से विवाह कर लो लेकिन वो क्या करती है उसको मना कर देते हैं विवाह करने के लिए स्वरूप को तब वह लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण भी इनकार कर देते हैं तो बहुत ज्यादा सीता को भला बुरा कहती है तो लक्ष्मण गुस्से में आकर सीता की उसकी जब वो सीता की भला बुरा कहती है तो लक्ष्मण गुस्से में आकर सुरूपनगा की नाक और कान काट देते हैं तो वो चिल्लाते ही रावण के दरबार में पहुंचती है हम ये पहले पढ़ चुके हैं बच्चों तो उसके बाद जो है वो रावण को सीता की सुंदरता के बारे में बताती है और कहती है कि मैं वहां पर तो, तुम्हारे विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर गई थी कि सीता को तुम्हारे साथ विवाह कर दिया जाए क्योंकि वह बहुत सुंदर है तो इस तरह से उसको रावण को भड़काती है तो रावण जो है मायावी मारीच के पास जाता है क्योंकि मारीच जो है मायावी था वो कोई भी रूप धारण कर लेता है तो माया आ, मायावी जो मारीच होता है वो पहले तो रावण की हेल्प करने से इनकार कर देता है लेकिन जब उसको मारने की धमकी देता है तो वो तैयार हो जाता है क्यों वो सोचता है कि मैंने मरना तो है ही कि इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा मैं श्री राम के हाथों से मुक्ति प्राप्त करूं तो वो तैयार हो जाता है तो रावण उसको कहता है कि वो स्वर्ण हिरण का रूप धारण करे तो वो ऐसा ही करता है वो कुटी के बाहर आ जाता है और घूमता रहता है और सीता उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती है तो जब वो देखता है कि आ, राम जो है राम को कुटी से यानी कि राम जो जब थे कुटी से कुटिया से निकलते हैं वो उस मायावी हिरन को देखते हैं तो हिरण जो है कुलाचे होते हैं जंप करके चलना उछल उछल कर वो कुलाचे भरने लगते है ऊंची ऊंची जंप लगा कर दौड़ने लगता है राम को बहुत चकाया मतलब राम को बहुत चकाया मतलब थका दिया काफ़ी दूर तक दौड़ाते गए झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया यानी कि उस हिरन हिरन ने क्या किया वह श्री राम को इतनी दूर ले गया कि कुटी उनसे काफ़ी दूर हो गई थी और वह लंबी लंबी जब हिरन कुत्ते भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं ना तो बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगा कर वह दौड़ने लगा था कभी झाड़ियों में छिप जाता कभी झाड़ियों से निकल कर फिर भाग पड़ता तो इस तरह से वो श्री राम को कुटी से बहुत दूर ले गया था राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते भागकर और दूर चला जाता। कि जब उसके नजदीक पहुंचते थे वो उसको पकड़ने की कोशिश करते थे वह और भी दूर चला जाता था हिरण चालाक था वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे यानी कि वह इतना चालाक था कि जब वो दौड़ लगाता तो वो राम से इतना गैप बना के रखता था कि जैसे वो उसको आसानी से पकड़ लेंगे है ना तो उनको ये लगता था कि ये हमें अगर मैं ज्यादा दूर गया तो राम मुझे छोड़कर वापस कुटी में चले जाएंगे राम के सारे प्रयास जो थे विफल हुए यानी कि श्री राम ने जितने भी प्रयास किए सब बेकार हो गए वे हिरण को पकड़ नहीं पाए उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया यानी कि क्या किया जब वो बहुत बार उन्होंने कोशिश की जब वे उस स्वर्ण हिरण को नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने जो था उस स्वर्ण हिरण को स्वर्ण होता है सोने का हिरण यानी कि मारीजी ने स्वर्ण हिरण का रूप धारण किया था तो उन्होंने उसको जीवित पकड़ने का विचार छोड़ दिया था धनुष उठाया निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया उन्होंने क्या किया श्री राम ने धनुष उठाया उस पर तीर लगाया उनके निशाना लगाया और एक बाण जो था स्वर हिरण की तरफ छोड़ दिया बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा धरती पर गिरते ही मरीच अपने असली रूप में आ गया जब श्री राम ने उसे बाण से घायल किया तो बाण लगते ही मारीच जो था धरती पर गिर गया और उसने असली रूप धारण कर लिया यानी कि पहले वो हिरण का रूप लिए हुआ था जैसे ही उसको बाण लगा तो वह जमीन पर आकर गिरा और उसने जो है अपना असली रूप यानि कि वो मरीच था ना तो उसने मरीच का रूप ही धारण कर लिया मरीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था आवाज़ भी बदल ली थी यानी कि उसने देखो कितनी चालाकी करी मरीच ने अपना रूप तो बदला ही था बच्चों उसने जो है अपनी आवाज भी श्री राम की तरह बना ली थी निकाली जब उसको तीर लगा वो घायल होकर गिरा तो उसने श्री राम की आवाज में ही आवाज निकाली और क्या कहता है अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी धरती पर पड़े हुए जोर से चिल्लाया हा सीते हा लक्ष्मण ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगाओ यानी कि उसने क्या किया था उसने जो अपनी आवाज़ थी वो श्री राम की तरह निकाल ली थी बदल ली थी और उसने उन्हीं की आवाज़ में उन्हीं के सुर में ही सीता और लक्ष्मण को आवाज़ लगाई कैसे जैसे दर्द से करहाते हैं ना ऐसी ध्वनि में आवाज़ लगाई जैसे जो बाण है वो राम को लगाओ ताकि लक्ष्मण और सीता जो है उसकी आवाज़ को सुनकर परेशान हो जाए और उनको लगे कि शायद ये बाण जो है राम को लगा है वह सहायता के लिए पुकार रहा हो यानी कि उनको ऐसा लगे कि राम जो है किसी मुसीबत में पड़ गए हैं और वो है, मदद के लिए सहायता के लिए लक्ष्मण को और सीता को पुकार रहे हैं बाण का प्रहार गहरा था मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया वह छटपटाता रहा जल्दी उसके प्राण पर उड़ गए बच्चों प्राण पखेरु उड़ गए यहाँ पर एक मुहावरा है तो यानी कि जब मरीच को राम का बाण लगा तो थोड़ी देर तक तो वो तड़पता रहा और उसने राम की आवाज़ भी निकाले लेकिन थोड़ी देर के बाद जो थी उसकी मृत्यु हो गई उसके प्राण पखेरु उड़ जाना मतलब मर गया वो मर जाना रावण जो था एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था वह प्रसन्न था उसकी चाल सफल हो गई थी मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी यानी कि बच्चों अब अब जो था, अब मारीच का तो जो रोल था वो खत्म हो गया यानी कि मारीच ने अपनी भूमिका समाप्त कर ली थी यानी उसके जीवन का अंत हो गया था लेकिन दूसरी तरफ उस पर्ण कुटी के बाहर एक बड़े से वृक्ष के पीछे कौन खड़ा था रावण वो छिपा हुआ था वह खुश हो रहा था कि उसकी जो चाल है यानी कि उसने जो एक रचना रची थी वो सफल हो गई है और मारीच ने जो है अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी यानी कि मारीच को जो उसने ड्यूटी दी थी जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी या जो उसको जिम्मेवारी दी थी वो उसने उस अपनी जिम्मेवारी को अच्छी प्रकार निभाया क्या जिम्मेवारी थी कि तुम स्वर्ण हिरण का रूप धारण करोगे करो और श्री राम को कुटी से दूर ले जाओगे तो मारीच ने ऐसा ही किया अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था यानी कि जैसा रावण ने प्लान किया था वैसा ही चल रहा था कि मारीच ने स्वर्ण हिरण का रूप धारण किया और जो राम को है कुटी से दूर ले गया फिर उसने राम की आवाज में ही सहायता के लिए किसको पुकारा था लक्ष्मण को और सीता को याद किया था उसे राक्षस अंकपन की बात याद आई सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे किसको राजा रावण को रावण जो थे वो महाराजा थे लंका के राजा थे तो जब वो सीता हरण के लिए आ रहे थे तो अंकपन एक राक्षस था जो रावण को कहता है कि यदि तुमने सीता का हरण कर लिया सीता को उठाकर लंका ले आए तो राम के अपने आप ही प्राण निकल जाएंगे यानी कि राम जो है सीता के बिना नहीं रह पाएंगे वह निशक्त हो जाएंगे वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया यानी कि उसने कहा कि बिल्कुल बेचान हो जाएंगे कौन राम जब अगर सीता ग्रण होता है तो ऐसा सोचकर रावण जो है अगले तैयारी में जुट गया था मरीच की पुकार राम ने सुनी यानी कि जब राम मारीच ने घायल होने पर राम की आवाज निकाली तो उसकी आवाज को राम ने भी सुना था वह पास ही थे उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है यानि कि राम समझ गए थे कि यह कोई अनहोनी होने वाली है कोई घटना घटने वाली है और यह कोई मायावी राक्षस है जिसने इसकी रचना की है उनको यह बात समझने में देर नहीं लगी मायावी मरीज की पूरी पूरी चाल चाल उनके सामने खुल गई, कि वे की जो चाल थी, उसको पूरी तरह से समझ चुके थे उनको समझ में आ गया था कि मरीज ने जो है माया रची है हिरन जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए वह षडयंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे यानी कि षड्यंत्र का एक चरण तो पूरा हो चुका था क्या कि जो स्वर्णहीण का रूप धारण किए मारीच था उसने जो है राम को कुटिया से दूर ले जाना था और उसने जो है अपना काम कर लिया यानी कि उसने जो है श्री राम को कुटी से दूर भगाकर ले गया कि उनका एक जो षड्यंत्र था वो तो पूरा हो गया लेकिन अब श्री राम कहते हैं कि उनका अगला चरण जो है मुझे विफल करना है बेकार करना है उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके ऐसा सोचते ही उन्होंने क्या किया वापस मुड़े और कुटिया की तरफ चल पड़े तेजी तेजी से यानी कि जल्दी जल्दी और जो थे कुटिया की तरफ चलने लगे ये देखो ये पिक्चर में दिखाया गया है रावण और सीता को दर्शाया गया है ये स्वर्ण हिरण है ये सीता जो उसको देखकर उस पर मोहित होती है वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी यानी कि राम ने तो सुनी राम ने जब मायावी हिरण के पास आया तो उन्होंने देखा कि ये तो और कोई राक्षस है मायावी तो वो तुरंत उसी समय ताकि और कोई घटना ना घटे कुटिया की तरफ वापस चल पड़ते हैं तेजी तेजी से तो जो वह मायावी पुकार थी जो किसने निकाली थी मारीच ने क्या कि हा सीता हा लक्ष्मण यानी कि सहायता के लिए पुकारा था ना तो यह जो आवाज़ थी सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए लक्ष्मण जो थे इस रहस्य को समझ गए थे वह जान गए थे कि कुछ गलत होने वाला यानी कि उनको आशंका हो गई थी शक हो गया था राम की तरह जैसे राम ने सोचा उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया चौकसी बढ़ा दी वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे यानी कि वो जो थे राम राक्षसों ने जो चाल चली थी कि स्वर्ण हिरण का रूप धारण किया था फिर वो राम को उसकूटी से दूर ले गए थे लक्ष्मण भी राम की तरह इस चाल को समझ चुके थे यानी कि उन्होंने धनुष पर तीर कमान को जो था चढ़ाकर और इधर उधर देखने लगे थे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए वो तैयार थे साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था यानी कि उन्हें राम ने आज जाने से पहले बोला था कि तुम सीता को इस कुटिया में अकेले छोड़कर मत जाना तो उनको जो था ये बात याद थी उनके लौटने तक सीता की रक्षा यानी कि उन्होंने उससे बोला था कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तुम्हें सीता की रक्षा करनी है लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी यानी कि लक्ष्मण जो है किसी गलती को भी नहीं करना चाहते थे यानी कि कोई गलती की संभावना ही नहीं थी कि वो कोई गलती करेंगे सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई घबरा गई दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई सीता क्या करती है जब सीता ने वो मायावी राक्षस की आवाज सुनी तो वो डगमगा गई थी घबरा गई दौड़कर जो कुटिया थी उसके द्वार पर आई और लक्ष्मण से कहती है तुम जल्दी जाओ जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर वो कहती है कि तुम उसी दिशा में जाओ जिस दिशा से आवाज आई है उस तरफ ठीक है तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं क्या कहती है वो कि तुम्हारे भाई जो हैं जंगल में गए थे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है वो कहती है कि तुम्हारे जो भाई हैं तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी जाओ लक्ष्मण जल्दी इनकी सीता विचलित हो जाती है डगमगा जाती है घबरा जाती है और क्या कहती है कि तुम्हारे भाई की इतनी दर्द भरी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी जो सामने सुनने वाले को घायल कर दे कि तुम जाओ और उनकी सहायता करो इनकी सीता जो है लक्ष्मण को जाने के लिए मजबूर करती है कहती है तो लक्ष्मण क्या कहते हैं आप चिंता न करें माते लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा आश्वस्त होता है उनको विश्वास दिलाते हुए लक्ष्मण क्या कहते हैं सीता को कहते हैं माता आप चिंता मत करो यानी कि सीता को विश्वास दिलाते हैं इस बात का कि तुम परेशान मत हो राम संकट में नहीं है हो ही नहीं सकते वो कहता है कि राम जो है किसी मुसीबत में नहीं है और वो मुसीबत में हो ये हो ही नहीं सकता उनका जो है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमने जो आवाज सुनी है वह बनावटी है वो कहता है लक्ष्मण कहता है कि हमने जो आज आवाज सुनी है ये बनावटी है और यह जो है राम की आवाज नहीं है मायावी राक्षसों की चाल है मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें भाई राम जल्दी ही आते होंगे कहता है कि यही मायावी राक्षसों ने चाल चली है जैसे वो भैया को इस कोटिया से दूर ले गए मुझे भी से दूर ले जाना चाहते कि वो चाहते हैं कि मैं भी मतलब इस दर्द भरी आवाज को सुनकर तुम्हें कोटिया में अकेला छोड़कर चला जाऊं आप निश्चिंत रहें चिंता मत करें भाई राम जो है शीघ्र ही आते होंगे सीता क्रोध से उबल पड़ी यानी कि जब उसको आश्वस्त किया लक्ष्मण ने विश्वास दिलाया कि श्री राम को कुछ नहीं हुआ है और उनको कुछ हो ही नहीं सकता तो सीता जो थी गुस्सा आ गया उसको क्रोध से उबल पड़ी क्रोधी तो उठी लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया यानी कि लक्ष्मण जो शांत बैठे थे सीता को समझ नहीं आ रहा था उनको यह लग रहा था कि शायद ये जाने से बच रहा है राम की आवाज सुनकर भी वे यही खड़े रहे सहायता के लिए नहीं गए सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया सीता जो है षड्यंत्र ये समझ रही थी कि शायद लक्ष्मण कोई षड्यंत्र रच रहा है कि राम के जाने का कि राम चला गया है तो वह उसकी सहायता के लिए ना जाए लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते वो क्या सोचती है उनके हितैषी नहीं है सीता क्या सोचती है कि जो लक्ष्मण है वो राम का हितैषी नहीं है उसकी भला करने वाला नहीं है उसकी मदद करने के लिए नहीं जाता चाहते हैं कि राम ना रहे मारे जाए ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए उनके रास्ते का काटा निकल जाए वो क्या सोचती है इनके उसके मन में बुरे बुरे भावना आते हैं वो लक्ष्मण को भी अपने प्रति गलत समझती है कि वो चाहते कि राम की जो है मृत्यु हो जाए कि राम मारे जाए और राम की कोई सहायता ना करे और उसके बाद जो है राम की मृत्यु के बाद राजपाट उनको मिल जाए और उनके रास्ते का कांटा जो है निकल जाए तो माना फिर सीता कहती है, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है है पाप है उसमें मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रही हो ये शब्द किसने कहे हैं सीता ने बेटा आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है कलुषित है पाप है उसमें यानी कि सीता जो है लक्ष्मण पर ब्लेम करना शुरू कर देती है उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देती है कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है यानी कि तुम मुझे गलत नजरों से देखना चाहते हो देख रहे हो मतलब तो इस तरह से उसे बहुत बाला बुरा कहती है इसलिए जो है तुम सहायता के लिए नहीं जा रहे सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भारत के गुप्तचर तो नहीं है सीता उन पर ब्लेम लगाते कहती है। कहते कहीं, तुम भरत से मिले हुए तो नहीं हो उसके तो नहीं हो कि राम की मृत्यु हो जाए और तुम दोनों मिलकर को संभाल सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा यानी कि जब सीता ने इस तरह की बातें करना शुरू किया तो लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ वह उसको ऐसे लगा मानो जैसे किसी ने उस फजर उस पर गिर पड़ा हो उनका हृदय छलनी हो गया पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया <coughs> यानी कि उनको जो था उनके दिल में यह बात बहुत बुरी तरह चुभी कि सीता माता किस प्रकार उन पर लांछने लगा रही है उन पर ब्लेम कर रही है लेकिन उन्होंने उसको पलट जवाब नहीं दिया संयम बनाए रखा पेशेंस रखे सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया यानी कि वो सिर झुकाकर सब सबको चुपचाप सुनते रहे वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे केवल इतना बोले हे देवी यह राक्षसों का छल है खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बुखला गए हैं क्या कहते हैं लक्ष्मण कहते हैं कि हे देवी हे माता सिर झुकाए हुए खड़े हैं और कहते हैं कि यह राक्षसों का छल है यानि कि यह या राक्षसों द्वारा रची गई रचना है जो खर और दूषण के मारे जाने के बाद वे बुखला गए हैं यानी कि जब खर और दूषण मारे गए हैं तो वो भी बुखला गए हैं किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं आप उनकी चाल में न आए वे कुछ भी कर सकते हैं मुझ पर विश्वास करें राम को कुछ नहीं होगा लक्ष्मण जो है बार बार माता सीता को समझाते हैं कि राम को कुछ भी नहीं होगा राम जो है बहुत बलशाली हैं वो परमात्मा है वो उनको बहुत समझाता है लेकिन सीता उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वो कहती है कि माँ तुम तो विश्वास करो कि राम को कुछ भी नहीं होगा ठीक है तो मतलब इस प्रकार उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है तो लेकिन सीता जो है इस बात को नहीं मानती तो बच्चों आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हम अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ते हैं क्योंकि ये पेज पूरा कंप्लीट नहीं होगा ओके